122 किलोमीटर की अभी बैटरी चार्ज दिखा रही है यहाँ पे नॉर्मल मोड में। मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था इससे कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और ये गाड़ी अभी फिलहाल 999 किलोमीटर से चल चुकी है। हेलो गाइज, वेलकम टू योर ऑटोमेट। गजाज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, लाइक कितनी बैटरी पैक इसमें आती है, उसमें आपको कितनी रेंज मिल जाती है, क्या चार्जिंग टाइम लगती है, और उसके साथ इसकी ऑन रोड प्राइसेस कितनी होती हैं। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। तो अगर आप इस गाड़ी के डिज़ाइन देखोगे तो आपको इस गाड़ी के डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको डिज़ाइन वाइज इस गाड़ी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। आप यहाँ पे देखोगे सबसे इसके टॉप पे तो आपको ये DRL मिल जाता है जो कि ग्लो कर रही है, और उसी के साथ आपको यहाँ पे दो लाइट्स मिल जाती हैं, और उसी के नीचे आप देखते हो तो ये का पूरा एप्रॉन आपको मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, और इधर आपको ये नंबर प्लेट मिल जाती है, ग्रीन है जो कि बेसिकली EV को शो करता है। यहाँ पे आपको 12 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, उसी के साथ आपको एक डिस्क ब्रेक भी प्रोवाइड करा दिया जाता है जो कि फ्रंट में ही अवेलेबल है। उसी के साथ और अब इसके फ्रंट इधर की बात की जाए तो इधर आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे आपको इसके लिए आपको कोई फिज़िकल की नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको सिर्फ ये आप अपना पासवर्ड डालोगे और ये गाड़ी ऑन हो जाएगी, और इसी के साथ आप इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं जो कि अपडेट आने के बाद आप वहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, और इधर साइड आपको ये सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कंट्रोल्स इधर साइड दिए गए हैं, ये आपका थ्रॉटल हो गया, और इधर साइड से आपको ये लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर्स के हो गए, और ये आपको हॉर्न का बटन इधर देखने को मिल जाता है, और ये टर्न इंडिकेटर्स के, और ये आपको रिवर्स मोड भी इधर साइड आपको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके ORVM की तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसी के साथ इस गाड़ी में आपको यहाँ पे एक ये हुक मिल जाता है, जहाँ पे आपका कोई स्टफ वगैरह होता है तो आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी जो भी गैजेट्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है जिसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और बात करें इस गाड़ी की स्पेस की तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आपको डेडिकेटेड फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोनों ही पैर के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। सीटिंग की बात की जाए तो सीटिंग का कंफर्ट जो है इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, आपको ड्राइवर के लिए भी एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, और साथ ही साथ पिलियन के लिए तो आपको काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाती है, और डेडिकेटेड आपको ग्रैब रेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, और ये ओला S1 Pro है तो यहाँ पर आपको S1 Pro की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये टेल लाइट देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल कराया गया है, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है, और दो रिफ्लेक्टर्स आपको इधर साइड और एक इधर साइड भी देखने को मिल जाता है। टायर सेम ही है, 12 इंचेस का ही है। तो और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के राइडिंग पोस्चर की। तो गाइस देखिए, आप इस गाड़ी को राइड कर रहे हैं और इसका जो कम्फर्ट है राइडिंग का वो बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल है। इसका कोई तोड़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके सस्पेंशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्यून किए गए हैं। तो राइडिंग वाइज इस गाड़ी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मोड में चल रही है, गाड़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आपको 122 किलोमीटर की अभी बैटरी चार्ज दिखा रही है यहाँ पे नॉर्मल मोड में, और इसको अगर हम हाइपर मोड में स्विच करेंगे तो ये जो रेंज आपको दिख रही है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। उसी के साथ स्विच गियर्स आपको ये सब पहले दिख जाएंगे जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो कंफर्ट वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसमें हम दो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं हूँ और एक मेरे साथ पीछे है, तो उस लहजे से भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था इससे कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और ये गाड़ी अभी फ़िलहाल 999 किलोमीटर से चल चुकी है। सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि 1 किलोमीटर बाद ये 1000 हो जाएगा,
और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया जाता है, और ये म्यूज़िक का भी है यहाँ पे, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं आया है, जिस वजह से आपको यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है। और बाकी ORBMs आपको इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी वाइज भी यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। थ्रॉटल इसका बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स करता है, और अगर इसको नॉर्मल मोड में हम पूरा खींचें तो ये देखिए गाड़ी एकदम से रॉकेट हो जाती है। अब इसको अगर हाइपर मोड में आप डाल के खींचोगे तो इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है मेरे हिसाब से। गाइस देखिए अभी ये नॉर्मल मोड है, और इसी के साथ यहाँ से आप दूसरा मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे ये स्पोर्ट मोड हो गया, और अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये हाइपर मोड हो गया। हाइपर मोड में गाइस ये एकदम रॉकेट है। देखिएगा कि आपने, मैंने इसको फिर से नॉर्मल मोड में कर दिया है, क्योंकि हाइपर मोड में तो गाइस ये रॉकेट हो ही जाती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रोड है उस हिसाब से इसको हाइपर मोड में चलाने के लिए, क्योंकि 70 तो एक सेकंड में मुझे लगता है पहुँच गई है, 0 to 5 सेकंड्स में ही तो 60 पहुँच जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी भी ये 1 किलोमीटर का दिखा रहा है, और ये देखिए 1000 किलोमीटर ये हो गया, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपको 181 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम की जाती है, और अगर आप उसको एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर चलाते हो तो आपको काफ़ी अच्छी रेंज निकाल के दे देगी, अप्रॉक्स 130 to 140 आप इसमें ईजिली रेंज निकाल सकते हो। तो वैसे ये था रेंज के बारे में। और बैटरी अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो आप अगर घर पर ही इसको चार्ज करते हैं नॉर्मल 15 एम्पीयर के चार्जर से, तो ये गाड़ी जो है 5 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद आप इसमें 130 से 140 किलोमीटर तक की रेंज निकाल सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। थैंक यू।